Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 जनवरी को अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम विपक्षी नेता सरकार पर अब हमलावर हो गए हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए इस फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और सरकार को आरक्षण विरोधी बता दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण पर हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर चाचा रामगोपाल यादव का भी गुस्सा फूटा। रामगोपाल यादव ने ट्वीट करते हुए सूबे के योगी सरकार पर आरक्षण विरोधी साजिश रचने का आरोप लगाया। रामगोपाल यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले, मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी। अखिलेश और रामगोपाल के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी, सूबे के सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी, योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी कहां छिपे हो, सामने आओ। पिछड़ों का हक क्यों मारा ये साफ बताओ। नौकरी में आरक्षण छीना, चुनाव में आरक्षण छीना, बस चले तो पिछड़ों के जीने का हक भी छीन लेगी भाजपा। इतना ही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की ओर से भी एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया। ट्वीट में कहा गया कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार को ट्रिपल टी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। दरअसल ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में सरकार को एक कमीशन बनाना होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी कि 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे, जिसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है। इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में दूसरे पिछड़े वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, साथ ही कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश में कहा कि अगर दूसरे पिछड़े वर्ग को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण नहीं दिया तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अनारक्षित मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।